हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जैसे कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी इस सीरीज की बची हुई जो क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा था पूरा क्वेश्चन डिस्क्राइब करने में। इसलिए मैंने आप सबसे वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि इसके सारे क्वेश्चंस को, जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो दोस्तों, मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आईक्यू स्टार्टअप में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना, हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक करना को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहो तो वहाँ से कोई भी मन में अगर डाउट है आपके तो वहां से आप डाउट को पूछ सकते हो। मैं बिना देर किए आपके उसके क्वेश्चंस के आंसर करूंगी। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मिलेगा लगातार अपने नॉलेज को इंक्रीज करने का मौका। फेसबुक पेज पे आपके लिए लगातार आती है नई नई क्वेश्चंस की सीरीज। तो वहां पे आप नए क्वेश्चंस को हर डे देख के और अपने नॉलेज को दिन प्रतिदिन इंक्रीज कर सकते हो। तो अब इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वादा किया था कि मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगी इसकी, और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे आगे के क्वेश्चंस। अभी हम इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 7 तक कर चुके थे। 7 के बाद की जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर रखा है। रेस्पिरेशन वाली अगर चैप्टर आपने नहीं देखी है तो ये भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10 की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ पर आपको रेस्पिरेशन की वीडियो आराम से मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और कहता है कि नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पायरेशन। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पायरेशन करते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस पहले मैंने लिख दिया है कि डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। उसमें क्या क्या है कि सबसे पहले एरोबिक रेस्पायरेशन क्या करता है कि इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ O2, यानी कि O2 के प्रेजेंस में होगा। दूसरी बात जो है कि इट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। यानी कि ये जब भी इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ये क्या होगा कि ये लेन देन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम लोग में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। एल्वोलाइज क्या कर रही है, ऑक्सीजन को ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रही है। तो ये कहाँ छोड़ रही है भाई, ये इन्वायरमेंट में छोड़ रही है, इन्वायरमेंट से ही ऑक्सीजन को ले रही है। तो इसीलिए इसमें सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है। थर्ड पॉइंट कहता है इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये जब भी होगा तो कहाँ होगा, यानी कि ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनेगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर बनेगा, और पायरुवेट से जो एनर्जी प्रोड्यूसन का काम होगा ये कहाँ होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। ठीक है, इट ऑलवेज रिलीज CO2 एंड H2O। इसमें जब भी रिलीज होता है तो CO2 और H2O रिलीज होता है। इट यील्ड्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है। एनरोबिक रेस्पायरेशन इसका जस्ट उल्टा होगा कि इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2, यानी कि इसमें ये होगा कब, जबकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एब्सेंट होगा। ठीक है, दूसरी बात एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज एब्सेंट, यानी कि इसमें लेन देन की प्रक्रिया जो है नहीं होती है एनवायरमेंट के द्वारा। इन इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म, ये जब भी होता है तो केवल साइटोप्लाज्म में होगा। इट प्रोड्यूस एल्कोहल्स एंड CO2। मैंने आपको बताया था कि इथेनॉल बनता है, इथेनॉल बनेगा और इथेनॉल बनने के साथ साथ CO2 भी बनेगा। साथ ही साथ कि एनर्जी रिलीज इन वेरी लो, जैसा कि ईस्ट में मैंने बताया था, ईस्ट के अंदर जो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ना। और इसके अंदर आपने देखा था कि क्या क्या बनता था, इथेनॉल बनता था, है ना। इथेनॉल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही एनर्जी जनरेट होती थी। तो अब इसके जो सेकंड पॉइंट पूछा है कि नेम सम ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पे हो जाएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द रूट्स ऑफ सम वाटरमेलन वाटर लॉन्ग प्लांट, सम पैरासाइटिक वॉर्म्स, एनिमल्स मसल्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। तो हाउ आर द एल्वियोलाइज डिजाइंड टू
मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि ये किस तरीके से डिजाइन की गई है, एल्वियोलाइज का स्ट्रक्चर क्या होता है और ये किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज करता है, इसके बारे में बात की गई है। तो इसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी वर्ड्स में मैंने लिख रखे हैं आपको आपके आंसर्स, तो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार जाके जो जो भी पॉइंट से रिलेटेड जो आंसर मैं कर रही हूँ उसको आप एक बार जाके देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ रेस्पायरेशन से आया है, तो रेस्पायरेशन वाली वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि द एल्वियोलाइज आर द स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लंग्स, कैसा होता है, इस बैलून की तरह होता है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। द वॉल ऑफ द एल्वियोलाइज कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, में बहुत सारे ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो नेटवर्क की तरह फैले होते हैं, किसके अंदर, एल्वियोलाइज के अंदर। सच लंग्स कंटेन 300 to 350 million एल्वियोलाइज, यानी कि एक लंग के अंदर 300 से 350 million एल्वियोलाइज हैं। सोचिए कि कितनी तेजी से ये प्रक्रियाएं होती होंगी एक्सचेंजेस की, यानी कि 300 से 350 million एल्वियोलाइज जो कि ये ट्रांसफर करने का काम करता है, और अगर दोनों के बीच में मिला दिया जाए तो अप्रोक्सीमेटली यानी कि लगभग 700 million जो है वो एल्वियोलाइज वर्क कर रहे हैं लगातार। द एल्वियोलर सर्फेस व्हेन स्प्रेड द कवर्स अबाउट 18 मीटर एरिया, द लार्ज सर्फेस एरिया मेक्स द गैसियस एक्सचेंज मोर एफिशिएंट, यानी कि जब हम तेजी से सांस लेते हैं, जब हमारा सीना ज़्यादा फूलता है यानी कि फेफड़े ज़्यादा फूलते हैं, लंग्स ज़्यादा फूलते हैं, तो उस टाइम गैस का जो एक्सचेंजेस होता है वो ज़्यादा हो पाता है, ठीक है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, कितनी मात्रा है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट वुड द कंसिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, यानी कि हीमोग्लोबिन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, तो ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कहता है कि व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी, यानी कि हीमोग्लोबिन का जो हमारी बॉडी के अंदर जो काम करने का तरीका है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को हेल्प करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट के अंदर। फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन देयर फोर डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड कैन अफेक्ट द ऑक्सीजन सप्लाइंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड, इट कैन लीड टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल, इट कैन ऑल्सो लीड टू अ डिजीज कॉल्ड एनीमिया, यानी एनीमिया क्या है, खून की कमी होना। तो खून की कमी क्या ब्लड कम हो जाता है, नहीं, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कम हो जाती है, और ये कब होगा, जब हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर कम होगी। तो इसके कारण अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर एक डिजीज पैदा होता है जिसका नाम क्या है, एनीमिया है। और इसका काम क्या है ये तो आप जान गए कि ये ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इट व्हाई इट इज नेसेसरी। तो देखिए इसको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है, आप इसको नोट्स के अंदर कीजिएगा, लिखते समय एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो ये कह रहा है कि डबल सर्कुलेशन बॉडी के अंदर कैसे होता है, ह्यूमन के अंदर कैसे होता है। तो मैंने कहा था आपको ट्रांसपोर्टेशन, जैसे मैंने पूरी तरह से समझाया है आपको वहाँ पे कि ये होता कैसे है। तो देखिए मेनली उसका फंक्शन यही है कि हार्ट के अंदर चूंकि हमारा ब्लड जो है दो बार वो मूव करता है, यानी फर्स्ट टाइम एरोटा से जब बॉडी में पूरा पंप होता है तब, और दूसरी बात जब ये सुपरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा जब वापस और ये राइट एओरिकल और वेंट्रिकल में आता है और ये पंप होके जाता है जब लंग्स तक। तो ये चूंकि दो बार ये मूव ऑन करते हैं हमारे हर्ट्स के अंदर, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। किसको, हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, इसको डबल सर्कुलेशन कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये हार्ट के अंदर दो बार आते हैं। इसकी नेसेसरी होने मतलब होना ज़रूरी क्यों है, ये मैंने एक अलग पॉइंट के अंदर बना रखा है। आप देखिए यहाँ पे आंसर किया हुआ है कि डबल सर्कुलेशन इन नेसेसरी फॉर, ये क्यों नेसेसरी होती है, यहाँ पे भी आप पढ़ लोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ ट्रांसपोर्टेशन वाली वीडियो के अंदर भी समझा रखा है, तो आप वो वीडियो भी जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
आगे जो क्वेश्चन कहता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन जाइलम एंड फ्लोएम, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करते हैं ये लोग, इसमें क्या क्या अंतर है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में नॉर्मल अंतर बताए गए हैं यहाँ पे। तो पहला तो जाइलम के बीच में क्या है, जाइलम टिश्यू हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरा, वाटर इज ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स फ्रॉम रूट ऑफ अदर प्लांट्स पार्ट, यानी कि जब भी जाएगा जाइलम से तो अपवर्ड की ओर ही हो जाएगा, है ना, तो ये इसका काम है। थर्ड कहता है कि ट्रांसपोर्ट इन जाइलम अकर्स विद द हेल्प ऑफ सिंपल फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन पुल। ये जो ट्रांसपोर्टेशन पुल की जो प्रोसेस होती है, फोर्स होता है, इस तरह इस फिजिकल फोर्स के द्वारा ये ऊपर की ओर खींचा जाता है, कौन, वाटर एंड मिनरल्स। अगर फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू जो है वो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की में। फूड इज ट्रांसपोर्टेशन इन बोथ अपवर्ड्स एंड अनवर्ड्स डायरेक्शन, ये दोनों तरफ में जाएगा, यानी कि ऊपर में भी जा सकता है, नीचे में भी जा सकता है, क्योंकि हर सेल को फूड की ज़रूरत है ना। और वाटर और मिनरल्स की ज़रूरत किसको पड़ती है, वो पड़ती है केवल लिव्स को, है ना। तो चूंकि फूड की ज़रूरत सबको है तो इसलिए ये बाई डायरेक्शनल रूप में जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, अपवर्ड में भी जाता है, डाउनवर्ड के अंदर भी जाता है। थर्ड जो क्वेश्चन कहता है, सॉरी थर्ड पॉइंट जो कहता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ये भी चीज़ें आपको मैंने समझा रखी है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाले चैप्टर जो है वो पॉइंट वहाँ से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे चैप्टर पॉइंट्स जो है मैंने क्लियर कर दिए हैं आपके। एक क्वेश्चन जो है वो 13th क्वेश्चन का आंसर लिख नहीं पाए थे। वो कहते हैं कि कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाइज इन लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सबसे पहले तो इसमें करना होगा कि आपको एक तरफ नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ एल्वियोलाइज के स्ट्रक्चर बनाने होंगे, और फिर एल्वियोलाइज किस तरीके से वर्क करता है उसको लिखना है, और नेफ्रॉन किस तरीके से वर्क करता है ये लिखना है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है, तो वहाँ से आप वीडियोस को देख के इसको कर लीजिएगा। आधार मैंने बता दिया है कि करना किस तरीके से है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे एरोबिक और एनारोबिक के बीच में डिफरेंसेस लिखी हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप नेफ्रॉन और एल्वियोलाइज के फंक्शन के बारे में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए। आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में भी आ चुका होगा। अगर फिर भी इस चैप्टर से बचा कुचा कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर मैसेज कीजिए, ताकि हम उन क्वेश्चंस को आंसर कर सके। अगर हो सकेगा तो वहीं आंसर करेंगे, नहीं हो सकेगा तो सारे क्वेश्चंस को मिला के एक वीडियो और बना देंगे, वहां से आपको हर क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। साथ ही साथ अगर इस वीडियोस के अंदर कुछ कमियां नज़र आएँ या फिर कुछ अच्छा नज़र आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जाके बताएं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करें। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, जो हमने नोट्स बना रखे हैं इसकी PDF चाहिए, तो उसके लिए टेलीग्राम ऐप पे आपके आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद इसलिए है क्योंकि फेसबुक पे लगातार आपके लिए कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, लगातार हर दिन कोई ना कोई क्वेश्चन अपलोड होते हैं, जहाँ से आपको अपनी नॉलेज को लगातार प्रतिदिन छोटे छोटे बूंद बूंद करके तालाब भरता है बोलते हैं ना, तो छोटे छोटे रूप में आपको नॉलेज की जो आपकी नॉलेज का जो लेवल है वो लगातार बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ से आपके हर तरह के डाउट्स सॉल्व होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, टिश्यू, नहीं, क्लास 10 है ना, क्लास 10 में शायद नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो भी है वो हम वहाँ पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो चैप्टर 2 से होगी, तो तैयार रहिए। चैप्टर फर्स्ट को आप लोग पूरी तरह से नोट्स कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए इनके सारे फिगर। मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ कि बायो के अंदर जो फिगर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर पॉइंट को बनाते समय, हर क्वेश्चन को आंसर करते समय आप उसके फिगर को ज़रूर बनाएं। यहाँ पे चूंकि मैं नोटपैड पे लिख रही थी तो यहाँ पे फिगर बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस के आंसर लिखते हुए यहाँ पे फिगर मैंने नहीं दिए हैं। तो आपको फिगर्स के लिए, जैसे मैंने ये जो मान लीजिए कि क्लास
पॉइंट 11 के जो आंसर है, यहाँ पे पूरा डबल सर्कुलेशन की बात की गया है, तो यहाँ पे आपको हार्ट की पिक्चर बनानी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे भी जिस तरीके की बात की गई है, वहाँ पे आपको पिक्चर बहुत नेसेसरी होता है इन द सिलेबस ऑफ बायो के सेक्शन में, तो आपको पिक्चर बनाना बहुत नेसेसरी है। हर पॉइंट, जो भी आप पॉइंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड आप पिक्चर जो है उसको ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड बी हैप्पी ऑलवेज। खूब एंजॉय कीजिए, नोट्स बनाइए, घर पे रह के आराम से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।